बच्चों वंस अगेन गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? हम टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। वो एक्चुअली मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी तो बंद हो गया, तो अभी चार्ज करके उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट एग्जाम्पल जहाँ से देखा था वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल ये था, हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे CH3C(OH)। ठीक है, ये था। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हुआ है तो इसलिए इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फॉर्म बोलते हैं। ऑल्दो है ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है बट सी डबल बॉन्ड होने के कारण इस फॉर्म को बोला जाता है ट्रिपल फॉर्म। तो माइग्रेशन होगी कैसी, जरा बताओ। हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक्सपेक्ट कर चुके हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। सिंपल सी स्टाइल इसकी, एच टू डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन यहाँ से लिया, क्या हो गया OH। इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है इन, और इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल है, अल्कोहल के सफिक्स हम यूज करते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप के टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अच्छा, इसमें एक चीज और, ठीक है, अब इसको एक्स वाई जेड जो है आपको स्टाइल बताइए क्या बताई थी, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड ये बताई थी। तो अगर देखेंगे तो बीच वाला लिखने का तरीका क्या है, बीच वाले को वाई लिखो, बीच वाले को वाई लिख दिया, जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसको जेड लिख दो तो इसको जेड लिख दिया, और जिसके पास ये बताया था एक्स, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन, तो जिसके पास खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो एक्स ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको खुद ही हाइड्रोजन, तो एक्स यही होगा और इसके पास हाइड्रोजन है तो इसको एक्स लिया, तो एक्स वाई जेड फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, और तो जरूरत नहीं, कीटो फॉर्म के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लगा के चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था जो भी हमने कीटो फॉर्म नाइट्रो फॉर्म फर्स्ट वाले फॉर्म तो उनमें डायरेक्टली हम अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ सकता है, तो उसमें तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि वेदर टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, इनोल फॉर्म में फंस सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक बताएंगे। ठीक है, तो इतने में कोई डाउट किसी को, ठीक इतनी बात समझ आ गई कि कीटो फॉर्म क्या होता है, इनोल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म को कीटो और इनोल और इस टाइप के टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं कीटो इनोल। अच्छा, एक चीज को और थोड़ा सा खास ध्यान रखनी, नोट एक थोड़ी सी चीज और ध्यान रखनी है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ स्पेशल केस ऐसे भी हैं जिनमें कंडीशन जो बताई गई है टॉटोमेरिज्म की वो होगी। ठीक है, कंडीशन जो भी बताई गई है वो सारी की सारी क्या होगा, फॉलो भी करेगा पर तभी भी दे विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कंडीशन जो बताई गई है इन्फेक्टिव वाली कंडीशन, ये सारी कंडीशन क्या होगा, फॉलो करेगा पर वो तभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी उनको डिस्कस करेंगे, उनको सबको स्पेशल केस के अंदर कुछ डिस्कस करेंगे, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कंडीशन है तो आंकन करके हम टॉटोमेरिज्म बोल दें। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जिनमें कंडीशन फॉलो होती है पर तभी कोई टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं करते, एग्जाम्पल पहले फिलहाल हम बेसिक और एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। फिर सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन हम ये पकड़ते हैं कि बताओ कौन कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन सा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और जो शो करेगा उसका फॉर्म बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो कुछ पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास सीएसटी कुछ हम एग्जाम्पल पकड़ लें, देखते हैं कि कौन कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेंगे कि कौन कौन से टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, और जो शो करेंगे उनका, अगर कीटो फॉर्म है तो उसका इनोल फॉर्म क्या होगा, अगर इनोल फॉर्म है तो उसका कीटो फॉर्म क्या होगा। और पहले एग्जांपल्स बना लेता हूँ, फिर इनको एक करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हो गया, ये बन गए, और दूसरे एग्जांपल्स और बना लेते हैं। सपोज एक हो गया, कुछ मैंने एग्जाम्पल सुना इसके अंदर हमें देखना है कि किन किन में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, किन किन में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो पहले वाला देखो, और मैंने बताया कीटो फॉर्म अगर गिवन होगा, कीटो इनर फॉर्म समझ आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ अगर प्रेजेंट होगा तो उसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ओ एस प्रेजेंट होगा तो उसको इनर फॉर्म बोलते हैं। कीटो फॉर्म में डायरेक्टली तुम अल्फा हाइड्रोजन का देख के बता सकते हैं कि वेदर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। चलो देखो, देखो कीटो फॉर्म है बिल्कुल, कीटो फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन भी है, कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। क्या होगा टॉटोमेरिक फॉर्म ये बात तो शिफ्टिंग करा दो, यहां एच यहां डबल बॉन्ड यहां शिफ्टिंग हो गई, ये डबल वन ऐसे यहाँ आ गए, डबल वन यहाँ आ गए। इसमें जरा देखो कीटो फॉर्म है, कार्बन है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें इस तरफ देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, पर इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है, पर इस तरफ हाइड्रोजन है, तो पॉसिबल है इसमें। क्या हो जाएगा, सी शिफ्टिंग हो गई, ऐसे यहाँ डबल वन, ओ एच सी एच डबल वन। इसमें जरा देखो कार्बन ये स्क्रब तो पॉसिबल ही नहीं, स्क्रब अल्फा कार्बन ही नहीं, स्क्रब अल्फा कार्बन है, पर देखो क्या हाइड्रोजन है क्या, एक दो तीन चार चार बॉन्ड ऑलरेडी बने, हाइड्रोजन नहीं, मतलब इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक, इसमें जरा चेक करो, सी डबल बॉन्ड है तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, पर हाइड्रोजन तो कहीं नहीं, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में? इसमें जरा देखो, देखो इसमें तुम जाओगे अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, इसलिए मैं बोल रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन कीटो फॉर्म में देख सकते हैं, पर इनोल फॉर्म, क्योंकि यहां पे इनोल फॉर्म में गिवन है, इनोल फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन देखने जाएंगे तो फर्स्ट में। तो फिर दूसरा रास्ता मैंने एक्स वाई जेड वाला बताया, तो बीच वाले को वाई ले लिया, समझ लो डबल वन इसके साथ उसको क्या लेंगे, जेड लेंगे, इस साइड वाले को लेंगे एक्स, एक्स ले बोला था कोई सा भी एटम हो सकता है, पर उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दिख रहा है इसके, समझ लो बस इसकी शिफ्टिंग करा दो हाइड्रोजन, इसके पास चला जाएगा डबल वन यहां आ जाएगा, तो इसका अगर फॉर्म बनाएंगे इसका फॉर्म बनेगा CH3CH, समझ लो हाइड्रोजन गया CH2 हो गया C और डबल बॉन्ड O, तो ये बनता है इसका कीटो फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन से देख के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इनोलिक फॉर्म में गिवन था, कभी कभी आता है ऑप्शंस में, जेई क्वेश्चन में ऑप्शन इनोलिक फॉर्म में गिवन होता है, बोलता है बताओ कौन सा हाइड्रोजन शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन से चेक करोगे तो हो सकता है तुम यहाँ फंस जाओ, तो इस चीज का भी थोड़ा खास ध्यान रखना है इनोलिक फॉर्म वाला। अगला एग्जाम्पल, ठीक है नॉर्मल कीटो, ये देखो अल्फा है तो इसकी शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन, ये क्या हो जाएगा ओ, हाइड्रोजन गया एच, और इधर क्या होगा ओ माइनस, प्लस, ठीक है। ये देखो अच्छा यहाँ पर देखो अभी तक सी डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म, यहाँ पर एन ओ टू दिख रहा है, ठीक है, तो कीटो इनवर्ट टॉटोमेरिज्म नहीं, स्पेशल टाइप का टॉटोमेरिज्म अलग टाइप का, इसको बोलते हैं नाइट्रो, और इसको बोलते हैं SI नाइट्रो। तो टॉटोमेरिज्म कौन सा फॉलो करता है, मैंने स्टार्टिंग में टाइप बताया था आपको, अगले टाइप और तो एक और टाइप का आगे, बाकी तो सारे कीटो इनवर्ट टॉटोमेरिज्म, पर दिस इज नाइट्रो SI नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, इस फॉर्म को नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं NO2, इस फॉर्म को SI नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, और SI नाइट्रो बोलते हैं टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं नाइट्रो SI नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ठीक बात समझ आ गई। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसका मतलब समझ लो ना, ये कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग में हमने फॉर्मल चार्ज की बात करी, फॉर्मल चार्ज का क्या कांसेप्ट है आप लोग को बताएंगे, चलो कांसेप्ट की बात नहीं कर रहे, ट्रिक देती मैंने फॉर्मल चार्ज की, उससे डिस्कस करते हैं। सपोज ओजोन है, ओजोन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे, दो एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेट NO3, ठीक है, ओजोन और नाइट्रेट NO3 ने दो एग्जांपल बताए, फॉर्मल चार्ज निकालना है सीधा ट्रिक का यूज करना है। ट्रिक में क्या बोला था मैंने, जो भी एटम या जो भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है अगर वो उतने बना रहा है तो उसका फॉर्मल चार्ज होता है जीरो, उससे एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है तो उसका फॉर्मल चार्ज होता है प्लस वन, एक कम बना रहा है तो क्या होता है माइनस वन, याद है जितने बना रहा है अगर उतने ही बनाता है जीरो, एक ज्यादा बनाता है तो प्लस वन, एक कम बनाता है तो माइनस वन। तो यार देखो ये कितना बनाता है ऑक्सीजन, दो दो बनाता है धीरे, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा जीरो, राइट। इधर देखो कितना बनाता है ऑक्सीजन, दो, कितना बना रहा है एक दो तीन, एक ज्यादा बना रहा है तो क्या होगा फॉर्मल चार्ज प्लस वन, कितना बनाता है दो,
एक कम बनाने को फॉर्म चार्ज क्या होगा माइनस, तो देखो नेट क्या होगा माइनस प्लस प्लस में कट जाता है तो इसलिए ओजोन में कोई चार्ज नहीं होता, ओ थ्री को ओ थ्री कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाती क्योंकि माइनस से प्लस कैंसिल हो गई। इसमें देखो ऑक्सीजन कितने बना रहे, दो बना रहे मतलब जीरो, ऑक्सीजन कितने बना रहे दो और बना कितना रहा है एक मतलब कम बना रहे मतलब माइनस वन होगा, ऑक्सीजन कितने बना रहे दो बना रहे एक अगेन माइनस वन, नाइट्रोजन कितने बना रहे तीन घटते हैं ट्रिपल बॉन्ड है होता है बना कितने रहा है एक दो तीन चार मतलब एक ज्यादा बना रहा मतलब चार इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा प्लस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया इसीलिए जब नाइट्रेट को एनओ थ्री लिखा था ऊपर के लिखा था माइनस वन क्योंकि एक प्लस वन से माइनस वन तो गया कैंसिल हो गया न्यूट्रल हो गया बचा कितना है कि माइनस वन इसलिए माइनस वन अल्फा कार्बन तो है पर कैसे कोई हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं, तो ये भी देखो सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है सपोज आपके पास ये कीटो फॉर्म है समझ आई क्या सबको, तो बताओ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, तो चेक करेंगे कि हाँ भाई सर ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है उनके पास हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है ये अल्फा है यहाँ दो हाइड्रोजन है यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, पर अगर ट्विस्ट कार्बन पानी में मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे बताओ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है सबको पता चलिए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट मिलेगा टॉटोमेरिज्म में और बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है नो डाउट, पर ट्विस्ट किया है कहानी कि एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट होगा बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट होगा, थोड़ी एडवांस की बात ठीक, क्योंकि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है एसिडिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट मिलता है बेसिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि आप बंद करके सेम प्रोडक्ट डालते हैं, किस तरह बनेगा डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ बने हो सकता है यहाँ बने ठीक, तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म उठानी पड़ेगी, तो पहले उठाते हैं मैकेनिज्म बेसिक मीडियम की, बेसिक मीडियम अगर बेसिक मीडियम की बात होगी बेसिक मीडियम क्या होगा देखो सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 पर लिख सकते हैं CH2H बेसिक मीडियम है मतलब OH- है तो OH- क्या करेगा हम जानते हैं यहां से प्लस निकल सकता है एसिडिक होते हैं नेचर में पीछे स्पिन कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ये निकाल देगा पानी एच प्लस को खींच लेगा और इसके साथ एक्सेप्ट कर लेगा पानी निकल आएगा और जैसे ही पानी निकलेगा क्या बनेगा सी एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और क्या आ गया सी डबल बॉन्ड को कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज हो गई कॉन्जुगेशन, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पीछे मैंने बताया था कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स की हो सकती है ठीक है, फिर नहीं आ रही कॉन्जुगेशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल दूसरा टाइप डबल सिंगल लोन पेयर तीसरा डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज चौथा डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो इतने टाइप की कॉन्जुगेशन चलती है डिग्री है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये शिफ्ट हो सकती है शिफ्ट हो जाएगा क्या बनाएगा सी एट कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हैं आप डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां है ये बनाया जाएगा तो क्या बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव और तो इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और जब देखो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया समझ लो क्यों शिफ्ट हुआ तो ये रीजन हमें पता चल गया why because of conjugation conjugation ki kaaran ye possible hota hai bas ab isme pani de do pani to already yahan mila hai to maine ko s2 to s2 se kya milega s plus milega s plus jayega iske paas kya banega ch2 double bond c oh to the double ye tha ketone form aur ye kaun sa form ho gaya enol form is tarike se protonium bana hai abhi tak jo bhi humne example dekhe usme hum direct bana rahe the kya style de rahe the ki hydrogen ko yahan shift kar ke double bond pe shift kar rahe the to kya mechanism थ्रू कॉन्जुगेशन के थ्रू चलते हैं ठीक है, इसमें दो स्टेप एक स्टेप एक स्टेप
क्योंकि ये दोनों तो सेम, ये दोनों तो, ये दोनों क्या है आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे में मतलब एबीएस से है। तो इसमें जो पहला वाला स्टेप होता है, दिस इज योर स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है, इट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जरा देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका बन रहा है कार्बन है, क्या फॉर्म हो रहा है आरडीएस में, आपका फॉर्म हो रहा है क्या कार्बो एनायन। और कार्बन एन कौन सा वाला स्टेबल होता है, एक ऐसा कार्बन एन स्टेबल ज्यादा होता है, जैसे 1 2 3 की बात करते हैं तो 1 डिग्री वाला कार्बन एन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके पास लेस बल्क ग्रुप जुड़े होते हैं, लेस एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, है ना। तो कार्बन एन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या है कि लेस एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। तो यहां पर एक छोटी ट्रिक आ गई आपके लिए, ट्रिक क्या आपके लिए, हमें अगर बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाना है उस तरफ डबल बॉन्ड बनेंगे जहां पर लेस बल्कि ग्रुप होंगे। ये इसलिए किया कि जहां लेस बल्कि ग्रुप होंगे उस तरफ क्या बनेगा प्रोडक्ट करेगा वहां पर बेसिक मीडियम। ये देखने जा सकते हो, अच्छे से समझ आए। सेकंड इज एसिडिक मीडियम। सपोज आपके पास है एसिडिक मीडियम, जैसे एग्जांपल एग्जांपल ये पकड़ लेते CH2 CH3 C double bond OH। ठीक है, ऑप्शन के पास दो ही है, जैसे एसिडिक मीडियम में तो जैसे बेसिक में OH होगा, एसिडिक में H+ होगा, तो ऑप्शन नंबर वन पे देखिए इसकी जरूरत क्या बनेगा, CH3 C double bond O और H बन जाएगा, और पर ऑप्शन में डोनेट करें तो ऑप्शन के ऊपर क्या जाएगा फर्स्ट पिक्चर। और हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ऑप्शन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बताया एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर याद है FON, याद करो मैंने बताया था फोन मोबाइल फोन, है ना, स्पेलिंग बदल दी हमने फोन, और फोन का यूज किस लिए करते हो कॉलर नहीं के लिए। तो अगला एलिमेंट कौन सा होता है ब्लू, ये ऑर्डर आपको बता रहे हैं फोन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो दोबारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने आपको न्यूट्रल करने के लिए। तो जैसे खींचेगा तो क्या होगा CH3 ऑक्सीजन के ऊपर OH वापस आ गई, बात समझ लो, और कार्बन के ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो CH3 को मैं लिख सकता हूँ CH2 और H, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, हाइड्रोजन बहुत ईजी नहीं कर सकते, जैसे ही खींचेगा तो यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव आया पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। देखो इनोल फॉर्म दिया, एक कीटो फॉर्म हो गया, और ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया इनोल फॉर्म। ठीक है, तो ये एसिड में मैकेनिज्म चलता है। इसमें जो सेकंड वाला स्टेप होता है ये होता है आरडीएस, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ये आपका स्लो स्टेप है। तो रेट इस स्टेप में क्या बन रही है, एल्कीन इज फॉर्म, एल्कीन इज फॉर्म। अगर ध्यान से देखोगे तो OH ऑलरेडी बन चुका है, इस स्टेप में एल्कीन बन रही है, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बना एल्कीन बन रही है। और अगर एल्कीन बन रही है तो हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये तो पढ़ा है, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगी। तो बस इसके लिए ट्रिक बना लेते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या होगी, हमें डबल बॉन्ड उस तरफ बनेगा जहां क्या होगा मोर बल्कि ग्रुप होगा, मोर बल्कि। ठीक है, बस ये हमारी इसके लिए ट्रिक बन, तो दोनों के लिए ट्रिक बनती है एसिडिक मीडियम में। ट्रिक क्या है, हमें चेक करना है ज्यादा बल्कि ग्रुप जहां होगा उस तरफ डबल बॉन्ड बनेंगे, और बेसिक मीडियम में जहां लेस बल्कि ग्रुप होगा वहां डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ। तो चलो क्वेश्चन से हमारे साथ उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने सपोज ये है, वही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं बेसिक मीडियम में करते हैं क्या अंतर होगा, कभी भी बताया एसिडिक बेसिक मीडियम की बात कर लो, सबसे पहले बेसिक मीडियम में कहां बनेगा जहां लेस बल्कि ग्रुप, तो जरा देखो कार्बन डबल बॉन्ड कहां बनेगा, कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 1 2, और एक बल्कि ग्रुप मिल रहा है दिखाई दे। तो बेसिक मीडियम में डबल बॉन्ड वहां बनेगा जहां लेस बल्कि, मतलब यहां पर तीनों हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है बल्कि, मतलब यहां बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये OH, ये वाला H आ जाएगा, समझ लो, तो यहां क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ज्यादा बल्कि ग्रुप, तो ज्यादा बल्कि ग्रुप, अगर यहां आता मैं तो यहां जाता हूं एसिडिक मीडियम में।
ये वाले चुटकी जो है वो डबल वन का है। इस तरीके से एसिडिक मीडियम में अलग प्रोटीन मिलता है और बेसिक मीडियम में अलग प्रोटीन मिलता है। एक एग्जांपल वो देखें ताकि थोड़ा अच्छे समझ जाए। सपोज ये होगा आपके पास, मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा। तो बेसिक मीडियम में क्या है, लेस वैल्यू, चलो चेक करते हैं, मिला हाइड्रोजन का है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर देखो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर दो स्मॉल ग्रुप है पर यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप एक बल्कि ग्रुप, तो कहाँ बनेगा वो बेसिक स्मॉल ग्रुप लेस बल्कि ग्रुप मतलब इस तरफ बनेगा, मतलब ऐसे यहाँ से उठ किया जाएगा और डबल वन की एसिडिक जाएगा। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, मोर बल्कि ग्रुप मतलब इस तरफ बनेगा, तो यहाँ लाइज उठ के यहाँ जाएगा ओ एच और सी एच थ्री। तो इस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म भी देखिए और प्रोडक्ट भी देख बना सकते हैं अपने ट्रिक्स जो मैंने बताई है उनका यूज करो, ठीक है। तो हमारे एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात हो, अब जल्दी से थोड़े से कुछ स्पेशल केसेस दे देते हैं, ठीक है।